हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो अभी काफ़ी दिनों बाद राइड पे निकले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी। लगभग 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू बीमार चल रहा था। तो अभी भी आपको मेरी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा हो कि अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, मगर फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और अभी थोड़ी थोड़ी आवाज़ भारी हो गई क्योंकि अभी सर्दी है थोड़ा। तो इसे ठीक होने में देखो कितना टाइम लगता है। टिकट का कैंसिलेशन करवाना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ पटना रेलवे स्टेशन, और वहाँ जाके टिकट कैंसिल करवाना है मुझे। तो ये काम मेरा काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन और देखते हैं कि ये टिकट कैंसिल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाता है। जो टिकट मुझे कैंसिल करवाना है वो टिकट खो गया, मतलब कहीं भुला गया है, और वो टिकट मिल नहीं पा रहा है। और बिना टिकट का सफ़र करना मुश्किल होगा, और काउंटर टिकट है तो उससे पहले मुझे डुप्लीकेट टिकट इशू कराना होगा। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन और देखते हैं वहाँ पर का क्या सीन है। मैंने सारा एप्लीकेशन और उसका प्रिंट आउट, दोनों टिकट का प्रिंट आउट और एप्लीकेशन भी मैंने लिख लिया है, और वहाँ काउंटर पर जाके बात करता हूँ, देखता हूँ प्रोसेस क्या होता है। तो मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट स्टेशन पे। तो अभी मालूम नहीं कि हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में ये क्यों बांस लगाया गया है मालूम नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बाहर भी नहीं निकला था, तबीयत ठीक नहीं थी। और आज निकला हूँ तो देख रहा हूँ कि रोड पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है ये बांस से, और किस लिए किया गया है अभी तक तो मालूम नहीं है। ऐसा कुछ कहा कि यहाँ से सारा कुछ क्लियर करवा दिया है, ये काम तो बहुत अच्छा किया है। तो ये काम काफ़ी पहले इन लोगों को करना चाहिए था। अभी बढ़िया लग रहा है देखने में, स्टेशन साफ़ सुथरा क्लीन। हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं, तो अभी बाइक को कर देते हैं पार्क। थोड़ा बैरिकेडिंग लगाने के वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है बाइक को पार्क लगाने में। ये इतना बैरिकेडिंग काहे के लिए भाई, ये इतना बैरिकेडिंग बांस बल्ला काहे के लिए लगा हुआ है, ये इतना बांस बल्ला किस लिए लगा हुआ है? राष्ट्रपति आने वाले हैं मंदिर पर। अच्छा, ये राष्ट्रपति कब? 22 तारीख। अच्छा, इसीलिए ना पटना उटना वो अभी स्टेशन पूरा खाली करवाया गया है। अच्छा, ये बात है, आकर देना है ना, राष्ट्रपति आने वाला है। राष्ट्रपति आ रहा तो साफ सुथरा, वही कहें इतना साफ सुथरा क्लीनिंग। तो फाइनली भी राष्ट्रपति आने वाले, इसीलिए स्टेशन को अभी थोड़ा क्लीन किया है। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। अभी टिकट का काम हमारा नहीं हो पाया है, मैं भी नेक्स्ट दिन जाएंगे, क्योंकि टिकट वाले ने भैया ने बोला कि भाई जिनके नाम से टिकट है आप उन्हीं को लेकर आओगे तो ही मैं टिकट री इशू करूँगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि अभी राष्ट्रपति आने वाले हैं, इसी वजह से थोड़ा साफ़ सफाई कर दी गई, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी होती थी, उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक होता था। और स्टेशन अभी आपको देख रहे हैं कि स्टेशन कितना बढ़िया दिख रहा है देखने में, और अगर हमेशा ऐसा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मगर अभी राष्ट्रपति आने वाले हैं तो इसी के वजह से थोड़ा यहाँ पर से सारी स्टॉलों को हटा दिया गया है, और पार्किंग वगैरह सब बढ़िया से है। तो अभी एकदम वेल मेंटेन लग रहा है पटना का रेलवे स्टेशन। तो अभी शाम के लगभग 5:10 बाकी है, तो चलते हैं अभी इको पार्क के अंदर और देखते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया है इको पार्क में गए हुए भी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे ही चिल करेंगे और उसके बाद निकलेंगे घर की ओर। ये बता दूं कि मेरे पीछे फैसल बैठा और कल उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, उसके आगे वाले टायर के अंदर कुत्ता का जो पैर है वो डिस्क ब्रेक में फंस गया और गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, उसकी वजह से थोड़ा इसका नुकसान भी आ गया और गाड़ी को भी थोड़ी डैमेज हुई। वाली गाड़ी
हम लोग अभी इको पार्क के अंदर आ चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। ये सामने फाइटर जेट लगा हुआ है हमारे इस साइड में, और इस साइड में काफ़ी बढ़िया सा वाटरफॉल। तो अभी चलते हैं वाटरफॉल के तरफ। और ये वाला एरिया में तो काफ़ी मैं पहली फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, उस साइड वाले एरिया में मैं आ चुका हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो अभी चलता है इसके नज़दीक और देखते हैं ये वाटरफॉल कैसा है और कितना खूबसूरत सा लगता है देखने में। तो फिलहाल तो अभी तो काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। ये रहा फाइटर जेट। तो किस्सा ये कुछ ओरिजिनल नहीं है, बस ऐसे शो के लिए बनाया गया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत सा बनाया हुआ है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। एकदम लग रहा है कि एकदम ओरिजिनल फाइटर जेट है, बस थोड़ा छोटा है और मे बी ओरिजिनल भी हो सकता है, इतना तो मुझे कुछ इसके बारे में मालूम नहीं। तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं, बस ऐसे ही शो के लिए बनाया गया हुआ है। तो अभी चलते हैं उस साइड आगे और देखते हैं कि और हमें क्या क्या देखने के लिए आगे मिलता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे लोग एडवेंचर करते हुए और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अंधेरा हो चुका तो इतना बढ़िया से तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर लोग एडवेंचर करते हुए, और इको पार्क में अगर आप भी एडवेंचर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप इस टाइप का एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं, और इसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा जो भी इनका चार्ज होगा। हाँ काफी फ्लाइट हो गया। हाँ हाँ चलो तो अब निकला जाए घर, और क्या अब लेट करने से क्या फायदा। अभी बैटरी भी डाउन हो गया, इसका बैटरी भी चार्ज करवाना है। काफ़ी मज़ा है और काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया इको पार्क में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद गया था और मैं इस बार इसके पीछे वाले गेट से गया था। वाले गेट से मैंने कभी गया नहीं था अंदर, मगर इस वाले गेट से जब गया तो सामने फाइटर जेट था और काफ़ी अच्छा व्यू था। तो बस ऐसे ही शाम का टाइम था, थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, तो फैसल बोला कि चलो इको पार्क चलते हैं। तो अभी इको पार्क में काफ़ी टाइम हम लोग बैठे और काफ़ी मज़ा भी आया। तो अभी फ़िलहाल अंधेरा भी हो चुका है और आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं हिट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो